गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट सम फ्रॉम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर. सम नंबर 10, दीप ज्योति एंड गीता आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज 31st March 2017 वॉज एज अंडर. स्टूडेंट्स, हमें प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट. ज्योति रिटायर्ड होती है. न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ दीप एंड गीता इज टू बी कैप्ट एट 1:1. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 70,000. स्टूडेंट्स, न्यू पी एंड एल रेशियो इज गिवन, सो वी कैन फाइंड गेन रेशियो. सबसे पहले हम लिख लेंगे दीप ज्योति गीता कैपिटल रेशियो है, वही पी एंड एल रेशियो है, तो कैपिटल लिख लेंगे 1,50,000 एंड 1,00,000. वी कैन से इट कैपिटल रेशियो और पी एंड एल ओल्ड रेशियो. फोर जीरो टू फोर जीरो कट, कॉमनली 5 से डिवाइड किया जा सकता है. 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10. दीप एंड गीता पी एंड एल न्यू रेशियो इज गिवन. गेन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स. गेन इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. दीप्स गेन न्यू शेयर इज 1/2 एंड ओल्ड शेयर इज 2/7. LCM 14, 2 7 14, 7 1 7, 7 2 14, 2 2 4, 3/14. गीताज गेन फाइंड करें स्टूडेंट्स. 1/2 न्यू शेयर एंड 2/7 ओल्ड शेयर. 14, 2 7 14, 7 1 7, 7 2 14, 2 2 4, 3/14. रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे स्टूडेंट्स. दीप गीता गेन रेशियो 3:3. कॉमनली हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, जो आएगा 1:1. स्टूडेंट्स, न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन. इक्वल्स टू 70,000. इसमें रिटायर्ड पार्टनर का शेयर फाइंड करेंगे. ज्योति शेयर इन गुडविल सेवेंटी थाउजेंड. ज्योति का शेयर है 3/7 मीन्स 30,000 रुपीज. गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट्स. दीप एंड गीता गेन करते हैं. दीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ज्योति's कैपिटल अकाउंट 30,000 को इक्वल रेशियो
15,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दीप्स और गीतास कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू ज्योतिष कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। टू ज्योतिष कैपिटल अकाउंट एंड इन दीप्स कॉलम 15,000 एंड गीतास कॉलम 15,000। ज्योति के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय दीप्स कैपिटल अकाउंट बाय गीतास कैपिटल अकाउंट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन ज्योतिष कॉलम 15,000। स्टूडेंट्स, गुडविल की एंट्री हम पोस्ट कर चुके हैं, मींस फर्स्ट एडजस्टमेंट इज कंप्लीट। टिक मार्क करेंगे एडजस्टमेंट्स पर, बैड डेट रिजर्व ऑन डेप्टर्स, डेप्टर्स पर टिक मार्क करेंगे। स्टॉक इज शोन इन द बुक्स एट 25% मोर देन इट्स कॉस्ट, स्टॉक पर टिक मार्क करेंगे। 60,000 इज पेड फॉर ट्रेडमार्क ड्यूरिंग करंट ईयर विच इज फोर टोटल सिक्स ईयर्स, ट्रेडमार्क पर टिक मार्क कर लेंगे। लायबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड इज डिसाइडेड एट 35,000, प्रोविडेंट फंड पर टिक मार्क कर लेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी कैप्ड एज द टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म, दीप एंड गीता विल रिमेन दिस कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पज द डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर करंट अकाउंट्स। देन स्टूडेंट्स, टोटल कैपिटल न्यू फर्म की रखनी है, जो ओल्ड कैपिटल थी वही ओल्ड कैपिटल है, यहाँ पर 3,50,000 मीन्स 3,50,000 रखना है हमें उनके न्यू P&L रेशियो में। हमारे पास न्यू P&L रेशियो भी है और टोटल कैपिटल जो रखनी है वो भी है, तो हम पुट कर लेंगे क्लोजिंग कैपिटल में। टू बैलेंस कैरिड डाउन 3,50,000 को 1:1 न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,75,000 इन दीप्स कॉलम एंड 1,75,000 इन गीतास कॉलम। क्रॉस एंट्री, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट दीप गीता 1,75,000 1,75,000 टोटल 3,50,000। अब एसेट्स एंट्री पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। गुडविल 14,000, गुडविल मींस ओल्ड गुडविल की वैल्यू को रिटर्न ऑफ किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड P&L रेशियो। वी विल रिटर्न ऑफ 2:3:2 अमाउंट विल बी 4,000 6,000 एंड 4,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 2,90,000 एंड ट्रेडमार्क 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग 2,90,000, ट्रेडमार्क इनर साइड 60,000। नेक्स्ट स्टॉक 50,000, डेप्टर्स 40,000, स्टॉक 50,000, डेप्टर्स 40,000 माइनस करवा कर सो करवा लेंगे BDR। स्टूडेंट जिसे पता चले ओल्ड BDR इज गिवन। नेक्स्ट बैंक 22,000, कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्वेंटी टू थाउजेंड
एसेट्स एंट्री होती हैं फिनिश, अब करेंगे लाइबिलिटीज एंट्री। कैपिटल अकाउंट, दीप 1 लाख, ज्योति 1,50,000, गीता 1 लाख। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट एंट्री रीड करें, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 28,000 को 2:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैल्यू विल बी 8,000, 12,000 एंड 8,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें, क्रेडिटर्स 60,000, प्रोविडेंट फंड 32,000। क्रेडिटर्स 60,000, प्रोविडेंट फंड 32,000 इनर साइड। स्टूडेंट्स लाइबिलिटीज एंट्रीज होती हैं फिनिश, अब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, सेकंड एडजस्टमेंट बैड डेट रिजर्व ऑन डेप्टर्स इज टू बी रेड्यूस्ड अप टू 10%। स्टूडेंट्स 40,000 डेप्टर्स है, 10% VDR रखना है, मीन्स 4,000, 36,000 आउटर साइड। ओल्ड BDR इज 6,000 एंड न्यू BDR इज 4,000, तो लाइबिलिटी की वैल्यू 2,000 डिक्रीज होगी, और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो लिखा जाता है रेवल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय BDR अकाउंट 2,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करें स्टूडेंट्स, स्टॉक इज सोन इन द बुक्स एट 25% मोर देन इट्स कॉस्ट, स्टॉक टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे, सपोज करेंगे हम, सपोज द CP, सपोज द CP ऑफ स्टॉक 100 rupees इंक्रीज्ड वैल्यू है 25%, 25 rupees, 125 मोर वैल्यू है मींस बुक वैल्यू है, हमें कॉस्ट प्राइस पर वैल्यू रखनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड बुक वैल्यू, राइट हैंड साइड जो हमें फाइंड करना है वो CP। जब बुक वैल्यू 125 है तो CP 100, बुक वैल्यू जब 50,000 है तो CP हाउ मच। CP फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125, वैल्यू विल बी 40,000। स्टूडेंट्स हमें 40,000 से स्टॉक की वैल्यू शो करवानी है, और यहां पर 50,000 है मींस डिक्रीज हो जाएगी 10,000, 40,000 आउटर साइड। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 10,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करें, ₹60,000 इज पेड फॉर ट्रेडमार्क ड्यूरिंग करंट ईयर विच इज फॉर टोटल 6 years। 60,000 ट्रेडमार्क का 6 years के लिए है, मीन्स 60,000 डिवाइड बाई 6 करेंगे रिटर्न ऑफ करने के लिए, माइनस रिटर्न ऑफ 6 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आएगा। आउटर साइड 50,000, ट्रेडमार्क की वैल्यू डिक्रीज हुई मींस एसेट डिक्रीज हुई, एसेट डिक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड टू ट्रेडमार्क अकाउंट, और यू कैन राइट रिटर्न ऑफ ट्रेडमार्क अकाउंट 10,000 rupees। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड इज डिसाइडेड एट ₹35,000। प्रोविडेंट फंड की वैल्यू 32,000 है, प्लस करेंगे 35,000 से शो करवानी है इसलिए 3,000 इंक्रीज हो जाएगा 35,000। लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट 3,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करें स्टूडेंट्स,
एडजस्टमेंट नंबर 6 हम दे चुके हैं, बस जो अब डिफरेंस आएगा कैपिटल अकाउंट का उसे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। रेवोल्यूशन अकाउंट का टोटल करें, डेबिट साइड बैलेंस ज़्यादा है 23,000, डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट बाय कैपिटल अकाउंट, जो होगा लॉस, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दीप, ज्योति एंड गीता इन देयर ओल्ड पी एंड एल रेशियो एंड डिफरेंस विल बी 21,000। 20,000 को 2:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अमाउंट विल बी 6,000, 9,000 एंड 6,000। क्रॉस ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू रेवोल्यूशन अकाउंट इन द ब्रैकेट लॉस 6,000, 9,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका टोटल करेंगे, उसके कॉलम का टोटल करेंगे 1,50,000 + 12,000 + 15,000 + 15,000, टोटल विल बी 1,92,000, 1,92,000, डिफरेंस 2। अब देखेंगे माइनस करके वैल्यू कितनी आती है, -6,000 - 9,000, वैल्यू विल बी 1,77,000। यहाँ पर जो कैश और बैंक है उसका जो बैलेंस है वो 22,000 है, 1,77,000 से लेस है, मीन्स हम एज अ लोन रख देंगे रिटायर्ड पार्टनर की बैलेंस अमाउंट को टू ज्योतिज लोन अकाउंट। डिफरेंस 1,77,000, क्रॉस एंट्री ट्रांसफर की जाएगी स्टूडेंट्स, डेबिट साइड आया बैलेंस तो इसे ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड मींस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ज्योतिज लोन 1,77,000। स्टूडेंट्स अब टोटल करेंगे अदर पार्टनर्स का, अब देखेंगे दीप, दीप के डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को कंपेयर करें तो डेबिट साइड बैलेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है 15,000 + 4,000 + 6,000 + 1,75,000, टोटल विल बी 2,00,000, 2,00,000, और डिफरेंस अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा बाय करंट अकाउंट। माइनस कर लेंगे 1,00,000, माइनस कर लेंगे 8,000, 92,000। अब गीता के कॉलम का टोटल करें तो गीता के कॉलम में भी डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आता है। आप देखोगे दीप में जो अमाउंट है वही अमाउंट गीता के कॉलम में है, तो टोटल भी सेम ही आएगा स्टूडेंट्स 2,00,000, 2,00,000 में से 1,08,000 माइनस किया जाएगा तो डिफरेंस विल बी 92,000। क्रेडिट में बैलेंस आया तो ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड, डेबिट साइड मींस बैलेंस शीट में एसेट साइड, लिखेंगे करंट अकाउंट दीप गीता 92,000, 92,000, टोटल आउटसाइड 1,84,000। कैश और बैंक का टोटल करेंगे 22,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 22,000, इसे ट्रांसफर किया जाएगा एसेट साइड कैश और बैंक बैलेंस 22,000। अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे
लाइबिलिटी साइड टोटल करें 3,50,000 प्लस 1,77,000 प्लस 60,000 प्लस 35,000 टोटल विल बी 6,22,000। अब एसेट साइड का टोटल करेंगे 2,90,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 36,000 प्लस 1,84,000 प्लस 22,000। टोटल स्टूडेंट्स हमारा मैच होता है 6,22,000। स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 10। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।